हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में के प्रश्न है जो कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानता और इसमें क्या अंतर है, इसके बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को जो कि शुरू से अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक्स कर दीजिएगा और नए लोग हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर है जो कि बटन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या समानता है। तो लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या समानता है एवं इनके बीच के अंतर को स्पष्ट करें। तो मतलब हो गया कि आपको समानता दोनों में क्या है, दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि लोक प्रशासन है क्या। तो लोक प्रशासन को जो क्योंकि दोनों में अंतर और समानता बताना तो ज्यादा लंबा है, इसमें परिभाषा नहीं चलेगी। तो लोक प्रशासन क्या हो गया, लोक प्रशासन में जनहित के कार्य किए जाते हैं। लोक प्रशासन में क्या किए जाते हैं, जनहित के कार्य किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, तो सरकार द्वारा किया जाने वाला कार्य है। क्या है, सरकार द्वारा। एक चीज ध्यान देना है कि ये जो लोक प्रशासन है वो ये नहीं कि आम जनता इसमें कुछ कर सकती है या कोई संगठन या कोई एक व्यक्ति, ये सरकार द्वारा है जो कि ये आपको किया जाने वाला जनहित में कार्य है। ये कैसा प्रशासन है, ये शासकीय प्रशासन है। ये कैसा प्रशासन है, लोक प्रशासन, ये शासकीय प्रशासन है। आप जानते हैं निजी प्रशासन क्या है, तो इसमें विभिन्न व्यक्तियों, इसमें एक व्यक्ति भी हो सकते हैं या दो व्यक्ति या उससे अधिक, तो विभिन्न व्यक्तियों, कंपनियों, व्यापारियों, संस्थानों, निगमों के प्रशासन, ये सब है जो कि ऐसे प्रशासन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, निजी प्रशासन कहा जाता है। तो क्या हो गया, लोक प्रशासन समझ गया कि जनहित के कार्य किए जाते हैं और इसमें जो कि व्यक्तियों, कंपनियों, व्यापारियों, संस्थानों, निगमों के प्रशासन के द्वारा जो कि कार्य किए जाते हैं, सरकार द्वारा किए जाने वाले इसमें काम करते हैं। अब लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या समानता है, तो लोक प्रशासन और निजी इस जो है उसके दो दृष्टिकोण है। पहले तो जो बहुत जो विद्वान है वो इसके समर्थक करते हैं, दूसरा है जो कि जो अंतर है दोनों में मानते हैं। तो पहला दृष्टिकोण के आधार पर क्या लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में क्या क्या समानता है वो जो देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो संगठन के आधार, संगठन मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। मान लीजिए कि आप टाटा टिस्को के ही एक उदाहरण लेकर चलते हैं, तो प्राइवेट है उसकी, ऐसी नहीं कि उसके छोटे क्षेत्र उसके भी विदेशों में भी हैं। तो ये माइंड में रखिए कि संगठन का मतलब एक सरकार का संगठन, चाहे मान लीजिए सेंट्रल सरकार को ही ले ले, केंद्र सरकार या बिहार सरकार को ही या झारखंड सरकार को ही ले ले, तो एक संगठन। संगठन के अभाव, अगर संगठन के अभाव रहेगा, मान लीजिए संगठन में कुछ कमी रही या संगठन ढंग से काम नहीं कर रहा, तो दोनों के उद्देश्य में जो कि प्राप्ति नहीं होगी। दोनों का जो अपना अपना उद्देश्य है, सरकार को है कि जन कल्याण के कार्य करने हैं तो उसको फिर वोट मिलेंगे, तो ये उद्देश्य दोनों को है, और निजी में है जो कि अपना लाभ होना है, कितना लाभ हुआ। तो ये है जो कि दोनों का उद्देश्य, अगर संगठन का अभाव है उसमें, उसमें कमी कुछ है, तो दोनों का उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। दोनों में कार्यालयों की व्यवस्था होती है, दोनों में है जो कि कर्मचारी रहते हैं उसमें, और जैसे क्लर्क हो गए, काम हो गए, जो भी काम होता है, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों में विशेष प्रकार के अलग अलग होते हैं, दोनों में कार्यालयों की व्यवस्था भी होती है। आप जानते हैं संगठन के सिद्धांत भी एक तरह के होते हैं, जो मान लें इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग क्षेत्र के उसमें भी पढ़ाई होती है, तो दोनों का आधार भी है जो कि समान है। कार्य तकनीकी, तकनीकें और प्रक्रियाएं, कुशलता, ये सब भी है जो कि आपको समान है, कई जगह आपको समानता मिलेगी। तो कार्य तकनीकें, प्रक्रियाएं और कुशलता। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है समान प्रशिक्षण व्यवस्था। तो समान प्रशिक्षण व्यवस्था का एक जो उदाहरण है वो हैदराबाद में आपको प्रशासनिक कॉलेज है। ये ऐसा नहीं कि जनरली माना जाता है जिसकी सरकार है उसमें प्राइवेट लोग को ट्रेनिंग जनरली नहीं दी जाती है, बहुत कम दी जाती है, लेकिन हैदराबाद का कॉलेज जो प्रशासनिक में है
वो दोनों का प्रशिक्षण देता है, निजी क्षेत्र और लोक प्रशासन दोनों क्षेत्रों के प्रशासन को जो कि ये ट्रेनिंग देता है। प्रायः उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्तियों में समान प्रशिक्षण दिया जाता है, जो भी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या सरकारी सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की हो, दोनों में जो कि प्रशिक्षण व्यवस्था क्या होती है तो समान होती है। अब वित्तीय समानता की चर्चा करते हैं, तो वित्तीय समानता क्या हो गया, धन के अभाव, अगर धन के अभाव में दोनों प्रशासन क्या हो गया, प्रभावहीन हो जाएगा। अगर धन का अभाव सरकारी में भी मान लीजिए कि कोई योजना है जन कल्याण के स्वास्थ्य योजना, अगर धन की कमी रहती तो देखते हैं ज्यादातर जो योजनाएं हो या तो थोड़ी देर चलती है और उसके बाद बंद हो जाती है। तो और निजी क्षेत्र में भी अगर आपके पास धन की कमी है तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेगा या जो भी संस्था या निगम है वो डेवलप नहीं करेगा। तो धन का अभाव में दोनों प्रशासन क्या है, प्रभावहीन है। अब कर्मचारियों वर्ग की समानता, कर्मचारी वर्ग की समानता में देखते हैं कि दोनों में क्या समान है, तो दोनों में कर्मचारियों में क्या है, कार्य कुशलता दोनों पर, अगर कर्मचारियों की कार्य कुशलता अच्छी नहीं है या कमजोर है, चाहे सरकारी भी हो तो वो भी प्रभावित होती है। ऐसी नहीं कि सरकारी में काम कर रहे हैं और फिर भी ये जो कि खराब काम करने के बाद भी आपको डेवलपमेंट, तो दोनों, और निजी क्षेत्र में तो चाहिए ही चाहिए, तो कार्य कुशलता पर दोनों है जो कि निर्भर है कर्मचारियों के। अब आता है उत्तरदायित्व की भावना, उत्तरदायित्व की भावना में क्या आ जाएगा, निश्चित उत्तरदायित्व की भावना को स्वीकार करना। तो दोनों में है, उत्तरदायित्व अगर नहीं निभाए, चाहे सरकारी हो चाहे पदाधिकारी हो कर्मचारी, अगर एक दूसरे आपस में उत्तरदायित्व नहीं निभाने की जिम्मेदारी है तो दोनों की, दोनों है जो कि इसको स्वीकारते हैं कि अगर उत्तरदायित्व नहीं रहेगा तो ये सारा चीज खत्म हो जाएगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या निजी सेक्टर। तो ये हो गए आपको लोक प्रशासन का पहला दृष्टिकोण, इसमें जो कि लोग जो विद्वान जो मानते हैं लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानता। तो ये हो गया, अब आपको बताऊंगा लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर। तो क्या है, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर बताऊंगा, तो इसको ध्यानपूर्वक मैंने इसको बांट दिया है। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में आपको क्या समानताएं हैं वो देखिए, ये अंतर जो है वो पहला पॉइंट वाइज मैंने बना दिया है तो आप देख सकते हैं इसको। तो लोक, तो पहला क्या है, लोक प्रशासन का क्षेत्र अधिक व्यापक और विस्तृत है। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, अधिक व्यापक और विस्तृत है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते तो उसका क्षेत्र पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में है। और इसके जो निजी प्रशासन का क्षेत्र है लोक प्रशासन की अपेक्षा कम व्यापक है। मान लीजिए कि टाटा का ही उदाहरण ले ले, ठीक है टाटा में कुछ शहरों में इसकी इंडस्ट्री है या बिरला की जो भी है, तो उसकी उसकी जो कि व्यापक क्षेत्र है जो केंद्र सरकार की तुलना में तो अपेक्षाकृत कम ही रहेगी। तो ये हो गया आपका, चाहे राज्य सरकार की हो तो पूरे राज्य में होती, तो इसका जो जो है व्यापक और विस्तृत जो प्रशासन के क्षेत्र में उसका कम होता है। अब आते हैं दूसरा, जन कल्याणकारी कार्य। तो लोक प्रशासन में है जो कि आपको जन कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, जनता के हित में कार्य किए जाते हैं, चाहे उससे लाभ हो या ना हो, दोनों कंडीशन में ये सरकार है जो कि जन कल्याणकारी कार्य करती है। और इसमें जन कल्याणकारी कार्य की प्रमुखता नहीं है, तो ऐसा नहीं कि निजी प्रशासन है जो कि जन कल्याणकारी कार्य नहीं करते हैं, वो भी करते हैं लेकिन इसकी प्रमुखता नहीं। अगर उनको लगेगा कि घाटा हो रहा है तो वो कार्य जो कि चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जो सुविधाएं कर्मचारियों को या गरीब लोगों को, तो बंद कर सकते हैं, लेकिन सरकारी कार्य में आप इसको बंद नहीं कर सकते। तीसरा जो पॉइंट है, यह निश्चित नियम के तहत और कार्य करते हैं, आधार भी इसका समानता है। तो मतलब ये जो है सभी के लिए, जो कि सरकारी जो है चाहे वो IAS हो चाहे कर्मचारी हो चाहे जो भी रहे, उनके लिए एक निश्चित नियम है कि इस नियम के बाहर करने पर आपको नहीं करना है, या तो दंडित किया जाता है या गलत कार्य। आधार भी समानता है, ऐसा नहीं कि वो IAS जाएगा तो नियम के खिलाफ काम करेगा या कोई कर्मचारी गया तो नियम के विरुद्ध, तो सभी को है जो कि एक समान काम करना है, समानता का सिद्धांत अपनाना है। ये नहीं कि
इसमें है जो कि अलग हो जाएगा। तो यह है जो कि लाभ पर काम करता है, मतलब इसमें जो है निजी प्रशासन में जो कि आपको कितना लाभ हुआ इसको है जो कि ध्यान, और इसमें समान व्यवहार नहीं होता है। इसमें क्या होता है क्योंकि कंपटीशन रहती है तो किसी जगह जो कि आपको समान वेतन है जो कि नहीं मिलेगा। मान लीजिए जो अच्छा कर्मचारी है उसको ज्यादा ज्यादा प्रमोशन ज्यादा तुरंत तुरंत मिलेगा, उसका कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन सरकारी में है एक उदाहरण के अनुसार है कि अगर अगर आपको आरोप दंडित नहीं किया गया है तो आपको इंक्रीमेंट है जो कि 1 जुलाई या जो अब तो जनवरी में ही लगने लगा है तो निश्चित लगेगा, चाहे वो कम काम करे या जब तक उस पर आरोप नहीं लगता तब तक है जो कि उसका वेतन वृद्धि मिलेगा। मतलब ये समानता का सिद्धांत है, इसमें उतना ध्यान नहीं जा रहा था कि बहुत अच्छा कर रहा है तो उसे 2 इंक्रीमेंट दे दे या 4 इंक्रीमेंट। तो ये हो गए आपके अब एकाधिकार स्वभाव और प्रतियोगिता का अभाव। ये जो है लोक प्रशासन में क्या है कि एकाधिकार का स्वभाव है, जैसे कुछ क्षेत्र में रेल हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, अब तो बहुत कम है 91 के बाद जब से लाइसेंस नीति खत्म किया गया, उदारीकरण अपनाई गई तब से कम हुए एकाधिकार। लेकिन इसमें है कि आप निजी सेक्टर इसमें भाग नहीं ले सकता, जब भी होगा तो वो सरकारी क्षेत्र ही होगा। अब प्रतियोगिता का अभाव है, अब ऐसा नहीं है कि जो मान लीजिए चीनी मिले हैं बिहार की या झारखंड में, जो खदानें जो बंद हुई है झारखंड की, बहुत सारी खदान में मैंने खुद देखा है कि वो बंद होते हुए उसको मेरे सामने ही बंद हुआ है। तो इसमें जो कि वो सब है जो कि अगर अर्थी नहीं रहेगी तो बंद हो जाएगा। प्रतियोगिता का है जो कि अभाव रहेगा इसकी, और इसमें जो कि एकाधिकार नहीं होता है, एक अधिकार इसमें ऐसा नहीं कि एक कार्य को मान लीजिए कि टाटा ने मित्तल ने स्टील बनाया तो दूसरे लोग स्टील नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है, वो बनाएंगे और पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहती है इसमें एक ही व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकते हैं। कंप्यूटर के सामान मान लिए बना रहे हार्डवेयर के तो जो उस लायक है उसको भी बनाया, किसी को मना ही नहीं है, तो निजी प्रशासन में हो गए। अब ये जो है लोक प्रशासन क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण भी होता है, तो जनरली ये देखा जाता है कि जिसकी सरकार रहती है उसी के अनुसार है जो कि कर्मचारी अधिकारी है जो कि कार्य करते हैं, अगर उनके अनुदेशों का आप अवहेलना करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा या सजा दे दी जाएगी। तो ये हो गया राजनीतिक दृष्टि, और ये जो हो गया आपको व्यापारिक दृष्टि से होता है कि कितना आपको फायदा हो रहा है कितना नुकसान हो रहा है। इसमें किसी सरकार का ऐसा नहीं रहता कि दबाव रहता है, ये व्यक्तिगत होते हैं या एक संस्था से रहते हैं, तो इसके जो राजनीतिक दृष्टि तो इसमें है जो कि व्यापारिक हित को साधने की कोशिश करता है निजी प्रशासन। अब आते हैं जनता के प्रति उत्तरदायी होता है लोक प्रशासन क्या है, ये जनता के प्रति इसको हर उत्तरदायी होता है, क्योंकि अगर आप जनता को कार्य कर नहीं दिखाएंगे तो फिर जनता आपको वोट नहीं देगी, सुसरकार भी तो जनता के प्रति, ये जनता की बदौलत ही चलती है, जबकि ये उत्तरदायी तत्व का अभाव है। इनका जब मन करेगा ये कंपनी बंद कर देंगे, और इनको जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व ऐसी नहीं है कि ये करे ही घाटा में चल जाएंगे तो ये तुरंत बंद कर, तो उत्तरदायी इनको है जो कि तत्व का इनमें अपेक्षा के जो लोक प्रशासन है उसके अभाव है। अब जन संपर्क है जो कि व्यापक पैमाने पर नहीं होता, तो सरकारी क्षेत्रों में ये देखा जाता है कि चलो किसी तरह से सरकार चल रही है तो इन्हें कोई ऐसा नहीं लगता कि खूब प्रचार किया जाए इस योजना का, चाहे घाटा हो क्योंकि उतनी सीरियस नहीं रहती है, जबकि ये माल बेचने और ग्राहकों को मनमोहित करने के लिए काफ़ी विज्ञापन करते हैं, खास लोक प्रशासन से तो काफ़ी ज़्यादा, बिना अगर जितना प्रचार करेंगे तो उतना माल बिकेगा और ग्राहकों का मनमोहित होगा तो फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो ये हो गए। अब आठवें पॉइंट क्या है, कर प्राप्ति कर धर्म एकत्र खर्च अलग अलग संस्था है, तो सरकारी में देखा जाता है कि आपको कर खर्च करने की अलग विभाग है और कर एकत्र करने, जैसे मान लीजिए कि एक इनकम टैक्स विभाग हो गया जो कर एकत्र किया, और खर्चा करने के लिए वित्त विभाग या बहुत सारे आकस्मिक निधि या, तो मतलब ये जो कि अलग अलग है, लेकिन इसमें जो कि अलग अलग एक कंपनी में है तो वो जो है उसका हेड ही रहेगा, वो दोनों डिसाइड करेगा, हेड ही या उसके जो मैनेजर हैं वही डिसाइड करेंगे कि कितना खर्च करना है, और ये दोनों और सरकारी में जबकि क्या है अलग अलग है जो कि संस्था इसके लिए बनी है। अब वैधानिक क्या है, नौवां पॉइंट्स जो है, वैधानिक सीमाओं के अंदर आचरण संहिता का पालन, तो वैधानिक सीमाओं के अंदर है जो कि जो भी कार्य लोक प्रशासन करेगा वो पहले बताया कि नियम नीति के तहत कार्य करेगा,
और जो कर्मचारी जो होते हैं उसके आचरण संहिता, ये नहीं कि आप काम कर रहे हैं और हुड़दंग मचा रहे हैं या किसी को छेड़ रहे हैं या मन हुआ काम, तो ये आचरण संहिता है। ये नहीं कि अधिकारी आपसे पूछ रहा है, आप उसे हंस रहे हैं, उसको सीरियस नहीं ले रहे, तो ये आचरण संहिता के खिलाफ आ जाएगा। अब वैधानिक सीमाओं और इसमें आचरण के, इसमें कोई अपना नियम रहता है एक संस्था का कि ये नियम बनाया, दूसरे संस्था का अलग नियम रहता है, इसमें आचरण संहिता का पालन नहीं होता। जो हेड रहता है अगर वो खुश है तो उसी के वो नया नियम फिर बना देगा, तो आचरण संहिता का इसमें इस तरह से लोक प्रशासन की तरह निजी प्रशासन में पालन नहीं होता है। अब आ जाइए दक्षता का। जनरली या जनता की नज़र में खासकर माना जाता है कि लोक प्रशासन में जो कि इफिशियंसी है जो कि काफ़ी कम है बनिस्पत निजी प्रशासन के, और वेतन भी है जो कि अपेक्षाकृत है जो कि कम है लोक प्रशासन में, जबकि जनता की नज़र में जो प्राइवेट में काम करते हैं उनको बहुत दक्ष माना जाता है कि बहुत एक्सपीरियंस है और वेतन भी उनको है, जबकि उस अनुसार जितना अच्छा कार्य करेंगे उतना अच्छा वेतन मिलेगा, जबकि इसमें जो कि आप अच्छा भी काम कीजिए तो वेतन है कि बराबर मिलेगा। तो सामाजिक प्रतिष्ठा ज़्यादा है, तो लोक प्रशासन में सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत, अगर आप ऐसे भी जो खासकर हिंदी राज्यों के जो प्रदेश हैं उनमें देखा जाता है कि जो अगर कोई सर्विस ले लिया, चाहे डी ग्रेड की हो, सी ग्रेड की हो, या जो ए ग्रेड की नौकरी हो, तो उनको बहुत सर्वोच्च माना जाता है। अब मान लिया जाए कि आप IAS बन गए तो आपकी है जो कि काफ़ी जो कि सामाजिक प्रतिष्ठा पूरे गांव मोहल्ले या शहर में हो जाता है ये IAS बन गए, जबकि सामाजिक प्रतिष्ठा इसमें कम, आप अगर एक कंपनी के मालिक बन गए, छोटी सी कंपनी है, उतनी चर्चित कंपनी, तो आपको उतना वैल्यू नहीं, जबकि आप उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब नौकरी है जो कि इसकी जो कि लोक प्रशासन की जनरली स्थिर रहती है, जनरली कहीं 60 वर्ष है तो कहीं 70 वर्ष, तो एक बार आपने नौकरी पा ली तो जनरली यह माना जाता है अगर कुछ गड़बड़ या